तो हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त यूके पीएससी स्टडी पॉइंट से गौरव और आ चुका हूँ आपके लिए एक जानकारी लेकर। तो दोस्तों, आपको बता दें, आपको काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं कि सर आपका जो कि पुलिस एसआई दरोगा का फिजिकल कब तक होगा और कब तक इसके जो कि फिजिकल होगा। तो देखिए, और आपका ये भी क्वेश्चन थे कि आपकी जो कि आपका आपका परावर्तन सिपाही का पेपर भी कब तक होगा। तो सभी जो कि मैं आपके जो कि क्वेश्चनों का जवाब दूंगा। तो देखिए, बाकी जो 143 पदों पर एक भर्ती भी आ रखी है उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में। बाकी आपका ये क्वेश्चन है कि आपका एनटीए जो कि हाई कोर्ट क्लर्क स्टेनो जो कि एग्ज़ाम जो कि आपका 17 मार्च 2023 को हुआ था उसकी जानकारी भी दूंगा। तो बने रहे वीडियो के साथ। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहले सबसे पहले बात करेंगे एसआई जो कि फिजिकल का। आपको पता होगा कि 28-29 जनवरी को इसका विज्ञापन आ चुका था। बाकी बात करें इसका तो दिनांक आपका जो कि इसकी अभी तक जो कि इन्होंने साइड भी बीच में खोली थी जो कि किसी का पिना पुना खोला गया था। अब बात करते हैं कि इसका फिजिकल कब तक होगा। तो देखिए दोस्तों, 19 तारीख जो कि आपका 19 अप्रैल तक आपके उत्तराखंड में चुनाव है। बाकी इसका फिजिकल कब तक होगा साफ साफ भाषा में कहें और साफ हो सुखी रहो। तो दोस्तों, इसके फिजिकल की अपडेट ये है कि 15 मई से पहले इसका फिजिकल हो सकता है, क्योंकि अगर 15 मई या आचार संहिता से पहले बोले कि इसका फिजिकल हो सकता है तो देखिए आपका शायद आपका जो कि 25-26 अप्रैल तक इस पर इसके फिजिकल के लिए आयोग एक नोटिस निकालेगा, क्योंकि आपको 19 अप्रैल को आपका ये हो जाएगा, आपके चुनाव उत्तराखंड में ख़त्म हो जाएंगे। बाकी इसमें क्योंकि पुलिस जो इधर उधर पुलिस रहती है वो उनकी ड्यूटी यहाँ चुनाव में लगी रहती है, इस कारण जो कि फिजिकल में भी बाधा है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास जानकारी कि आपका 25 से 28 जो कि अप्रैल तक आपका इस पर संवाद आएगा कि कितने छात्रों ने फॉर्म भरा है और कितने जो कि अब कहाँ कहाँ आपका फिजिकल होगा, ऐसा जो आपका जो कि संवाद आएगा आपका 25 से 28 अप्रैल के बीच। तो दोस्तों, आपका फिजिकल मेरे को लग रहा है कि जो अब अनुमानित बता रहा हूँ मैं कि अनुमानित की बात की जाए तो आपका 15 मई से भी पहले हो सकता है और 15 मई के बाद भी हो सकता, क्योंकि पहले मैं ये बोल रहा हूँ कि ये भी कहा गया है कि मई के 2-3 हफ्ते में फिजिकल शुरू करने पर भी पुलिस विभाग का जो कि मत बन रहा है कि हम मई में जो कि पुलिस एसआई का फिजिकल करा दें। बाकी दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि 15 मार्च तक इसके फिर से इन्होंने साइट खोली, 22 आपका 22 मार्च तक साइट 22 मार्च तक इन्होंने साइट खोली। अब इसमें कुछ लोगों ने और आवेदन किया होगा और उसके बाद इनको एडमिट कार्ड भी बनाने होते, बाकी चुनाव भी है उत्तराखंड में, इस वजह से आपका मई के मान के चले जितना मेरा अनुभव है कि मई 15 मई के बाद भी या 15 मई के बाद मान के चले इसका फिजिकल की जो कि अनुमानित डेट मिलेगी आपको। लेकिन जो आपका संवाद होगा या आपका 30 अप्रैल से पहले आपको 25 से 28 अप्रैल के बीच आ जाएगा कि कब कब होगा ये फिजिकल और कहाँ कहाँ होगा। बाकी दूसरे न्यूज़ पे आते दोस्तों, जो हमारी दूसरी न्यूज है कि आबकारी फिजिकल कब। तो दोस्तों बताते हैं आपको दोस्तों, तो आबकारी फिजिकल के बारे में बताएं तो आबकारी फिजिकल जो कि आपका 6-7 अप्रैल तक आपका जो कि ये एग्ज़ाम होने वाला है यूके आपका जो कि यूके ट्रिपल एस सी कराएगा आपका जो कि विभाग प्रत्योत्सव मामले का जो पेपर होने वाला है। बाकी अगर इसके फिजिकल की आपका इसका पेपर की बात की जाए तो दोस्तों, इसके जो कि अनुमानित पेपर की डेट बताई जाए तो कही जाए तो आपका 19 अप्रैल या 15 अप्रैल के बीच इसमें आयोग कुछ संवाद के द्वारा इसकी तिथि की घोषणा कर सकता है। अगर आपका 15 अप्रैल तक नहीं आता है तो आपका 19 अप्रैल के बाद 19 अप्रैल 20-21-22 मान के चलिए कभी भी ये डेट जो कि इस पेपर की दे सकता है। और इसका पेपर जो कि अनुमानित कहा गया है कि मई के 2nd हफ्ते में होने के ज़्यादा से उम्मीद इस पेपर की होने की, जो कि हमारे पास जानकारी कि मई के 2nd हफ्ते में नहीं होता है तो ये आपका जून के 2nd हफ्ते में होगा, क्योंकि इसका आचार संहिता भी उत्तराखंड से समाप्त हो जाएगी, जो लोकसभा चुनाव वाले हैं वो समाप्त हो जाएगी। अगर ये मई के 2nd हफ्ते में ये पेपर नहीं होता है तो आपका मई जून के 2nd हफ्ते में ये पेपर होगा, क्योंकि हमारे पास जब जानकारी होती है दोस्तों तभी हम वीडियो बनाते हैं, नहीं तो हमें भी शौक नहीं होता है कि वीडियो बनाना। लेकिन ये आपको मैंने बता दिया कि अनुमानित आपका 15 अप्रैल से भी इससे संवाद आ सकता है या 19 अप्रैल के बाद मान के चले 20-21-22 अप्रैल जब भी हो इस पर एक संवाद आयोग डायरेक्ट जारी करेगा।
बाकी इसकी डेट देगा कि कहाँ कहाँ ये पेपर होंगे, कहाँ कहाँ उत्तराखंड के हर जिले में होंगे, लेकिन कब और कितनी पालियों, पाली तो एक ही होगी लेकिन टाइम और तिथि आयोग इसका एक संवाद जारी करेगा 15 अप्रैल से पहले या 15 अप्रैल के बाद। बाकी दोस्तों जो आपका जो कि आज एक भर्ती विहार की उससे बताते हैं आपका, जो कि भर्ती विहार की एक उसके बारे में भी थोड़ा इस वीडियो में जानकारी आपको दे देते हैं। तो अगर आपको भर्ती आप उसको भर सकते हो, आप अगर स्नातक आप BA पास आपने किया है तो आप इसको भर सकते हो। बाकी आपका जो और सवाल है आपके NTA एग्ज़ाम, NTA एग्ज़ाम के आंसर की कब तक आएगी और NTA का रिजल्ट कब तक आएगा जो उत्तराखंड हाई कोर्ट का, तो उसकी बात की इस वीडियो में करते हैं। तो बाकी बताते हैं दोस्तों आपको आगे। तो दोस्तों बाकी आपके लिए एक वैकेंसी आपके लिए आ रखी है, आप भी भरना चाहोगे तो भर सकते हो इसको, जो कि आपका बैंक ऑफ इंडिया की ओर से वैकेंसी आ रखी है। तो दोस्तों मैं आपको वैकेंसी की जानकारी देता हूँ, आपको भर्तियों की जानकारी देता हूँ, बाकी आपको मैंने पेपर भी सॉल्व कराया, आप वीडियो को देख सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को, अगर आप कोई आपके भाई बहन बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उनको जानकारी दे सकते हो कि ये भर्ती आ रखी है, अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो तो भर सकते हो। तो देखिए एप्लीकेशन जो कि अपकमिंग जो कि 27 मार्च को ये फॉरम आए, लास्ट डेट की बात की जाए तो 10 अप्रैल, और बाकी रिविलेंट डेट ऑफ एज और क्वालिफिकेशन अगर आप इसमें ये लगाना चाहते हो तो आपकी एज और क्वालिफिकेशन आपका 1 फरवरी 2024 से इसमें काउंट होगा, बाकी लास्ट डेट आपकी 10 अप्रैल 2024 से। तो देखिए ये आ रखा आपका 35 पोस्ट इसमें आ रखा है, क्रेडिट ऑफिसर बैंकिंग का है, बाकी चीफ मैनेजर की भी एक पोस्ट, बाकी टोटल की बात की जाए दोस्तों तो इसमें आपका ये अपने टेलीग्राम चैनल पे ये पूछ दूंगा 31 पोस्ट है, बाकी टोटल 82, बाकी 27, तो बाकी टोटल इसकी बात की जाए तो आपका 143 पोस्ट है, 143 पोस्ट मैंने ये काउंट कर रही है, 143 पोस्ट पर ही आपकी ये वैकेंसी आ रही है। बाकी आप इसको भरना चाहोगे तो भर सकते हो। बाकी इसमें बताते हैं क्या क्या इसमें क्राइटेरिया रहने वाला है। तो देखिए मिडिल ग्रेड स्केल आप ये रहने वाला है, अंडर और मैनेजर के लिए आपका ये वाला जो कि पे रहने वाला है, बाकी आपको बताते हैं लेवल 5 जो कि एजिबिलिटी आपकी ये रहती है, बाकी एज भी इन्होंने इसमें दे रखा है कि आपकी 25 और 32 इसके लिए होनी चाहिए और आपका 37 इसके लिए मांगा गया है, सीनियर मैनेजर IT मैनेजर के लिए 28 से 37 इसमें मांगा गया है। तो देखिए आगे बताते हैं इसमें, बाकी ये PDF है आपकी, तो ये आपके लिए STFC के लिए, बाकी ये इसमें बताते हैं कि क्या क्या इसका सिलेबस रहेगा। तो देखिए इसका सिलेबस की बात की जाए तो आपका इसमें BA पास होना चाहिए, या BCom हो आप या BA हो या आपका स्नातक हो तो आप इसको भर सकते हो। तो बाकी इसकी इंग्लिश आपकी 25 नंबर की आएगी 30 मिनट की, बाकी प्रोफेशनल नॉलेज रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट आपके बैंकिंग से या उसी से, जो कि गणित भी इसमें आएगी, सारे GK जाके भी इसमें आएगी, और बैंकिंग से ज़्यादा इसमें कोचिंग जो कि आपका 60 नंबर, बाकी जनरल अवेयरनेस एंड स्पेशल रेफरेंस बैंकिंग इंडस्ट्री आपके बैंकिंग इंडस्ट्री जो फाइनेंशियल बैंक का हुआ SBI के गठन ऐसे क्वेश्चन आपका इसमें आएंगे, तो आपका 150 नंबर का ये पेपर होगा। बाकी दोस्तों मैं इसकी PDF आपको भेज दूंगा। तो दोस्तों अब अगली जो जानकारी है हम बात करेंगे अपने जो कि NTA एग्ज़ाम के आंसर की कब आएगी और NTA का जो कि फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, तो दिखाते हैं आपको NTA के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं, तो बने रहे वीडियो के साथ। बाकी दोस्तों आपका NTA का एग्ज़ाम आपका 17 मार्च 2000 जो कि 24 को हुआ था, बाकी इसकी अभी NTA ने जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इसने अभी इसकी आंसर की जो कि जारी नहीं की, क्योंकि दोस्तों इसमें ऐसा था कि कुछ लोगों का GK तो सही, GK और हिंदी तो सही आए थे, बाकी इसमें जो आपके लॉ के क्वेश्चन आ रखे थे वकील वाले या लॉ के क्वेश्चन मान के चलिए, जो NTA का जो पूछा है उसके क्वेश्चनों में किसी को डाउट है तो उनके क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे। बाकी इसके आंसर की कब तक आएगी, तो दोस्तों हमको जब जितनी जानकारी है कि इसकी जानकारी जो कि इसकी आंसर की आपकी हमें बोला गया है 1 से आपका 5 अप्रैल के बीच कभी भी इसकी आंसर की आ सकती है, 1 से आपका 5 अप्रैल मान के चलिए, 1 से कल आपका 1 अप्रैल है और 5 अप्रैल तक आपकी आंसर की, 3-4 दिनों में आपकी आंसर की, 5 दिनों में 5 अप्रैल तक मान के चले आपकी आंसर की आ जाएगी। बाकी दोस्तों मैं ये जानकारी आपको कल भी दे सकता था कि आपके 1 से 5 अप्रैल तक या ये इन भर्तियों के बारे में, क्योंकि कल वीडियो बनाना सही नहीं होता है, आप बोलोगे सर कि आप फुल अप्रैल बना रहे हो, आप ऐसे अफवाह बना रहे हो, आप ये बना रहे हो, तो मैंने कल नहीं बनाई, मैंने आपको आज ही ये जानकारी दे दी आपका जो कि 31 मार्च को। बाकी अब बात करते हैं दोस्तों इसके रिजल्ट के बारे में,
तो रिजल्ट की बात की जाए दोस्तों इसकी, तो रिजल्ट के लिए कहा गया है कि पीएस प्रद्युमन सर ने भी अपनी लाइव में कहा था, पीएस करंट अफेयर्स जो कि प्रद्युमन सर हैं उन्होंने भी बताया था कल, मैंने भी इसने पता किया है, मैंने भी पहले पता किया था लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन उन्होंने जो कि जानकारी दी है कि आपका 24 से आपका 23 अप्रैल से आपका जो कि आपका 30 अप्रैल तक आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। मान के चलिए आपका 24 अप्रैल से आपका 30 अप्रैल के बीच, मान के चलिए 24, 25, 26, 27, 28 अप्रैल तक आपका इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। बाकी इसकी आंसर की बात की जाए दोस्तों तो आपका 1 से 5 अप्रैल को इसकी आंसर की आ जाएगी, क्योंकि आपके ये लोग जो कि आपका कमेंट करते हैं कि सर कब इसकी आंसर की आएगी, कब इसका रिजल्ट आएगा, कितने गुना लिए जाएंगे, तो इसमें 5 गुना लिए जाएंगे दोस्तों, क्योंकि अभी तक एनटीए, क्योंकि एनटीए जो एनटीए का काम होता है, जो कि यूके 3SC का काम स्लो है लेकिन एनटीए का काम काफ़ी फास्ट है। तो दोस्तों आपको मैंने इसके आंसर की जानकारी दे दी है और इसका रिजल्ट के बारे में आपको दे दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा भी आपके लिए जानकारी दें, तभी हम जानकारी दे पाएंगे जब आप हमसे, जब हमारे चैनल से आप जुड़ोगे तभी आपको जानकारी प्राप्त हो पाएगी। मिलेंगे दोस्तों आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।